गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। माय नेम इज उर्मिन। एक ऐसा एल्बम जिसने 2023 में हमें दिया एक बैकग्राउंड स्कोर, वेल कुछ ऐसा ही है माहौल एनिमल का, कि अब हम नए साल में भी इस एल्बम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 13 ट्रैक्स, कम से कम 10 कंपोजर्स और लिरिसिस्ट एंड 1 मेगा हिट एल्बम। आई हैव द वंडरफुल मेकर्स ऑफ दिस म्यूजिक एल्बम विद मी। हेलो जेंटलमैन। हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिफोर आई इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यॉल इंडिविजुअली एंड स्पीक टू यॉल अबाउट योर सॉन्ग्स, मैं आप सभी से सबसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि एनिमल ये एल्बम आपके लिए क्या है? श्रेयस, एनिमल एक मेरे लिए नई दिशा है, बिकॉज यहाँ से मेरे टैलेंट को निखारा गया है और सराहाया गया है। सो मेरे लिए एक न्यू बिगनिंग है as a composer, as a singer. So that's what it is for me. Wonderful. Manoj ji. To me, Animal is back to my basics. I started writing love songs, बहुत सारे romantic गाने लिखे, फिर तेरी मिट्टी और बहुत सारे devotional गाने इतने बड़े hit हो गए कि लोग ये भूल गए कि भैया ये romantic गाने भी लिखता है. So thankfully, Animal gave me a hit which tells people कि मनोज मुंतशिर आज भी गलियां वाला, तेरे संग यारा वाला, मनोज मुंतशिर आज भी जिंदा है। क्या बात, हर्षवर्धन जी, big one for you. Please tell us, what does Animal mean to you? Animal is like life changing for me and game changing, because like I was from Chennai, like I was because of Sandeep sir I was here. So it's like sitting with these legends and everyone, like it's like ड्रीम कम ट्रू लाइक। राजशेखर जी, मैं इससे पहले भी मनोज भाई को भी बोल रहा था कि मुझे रणबीर कपूर के साथ कभी काम करना था और मैंने मैनिफेस्ट किया था कि यार करना है यार इनके साथ। तो एक नई बिगनिंग है, एक तरीके से नई कोलैबोरेशन है, तो मेरे लिए ये है। वंडरफुल। भूपेंद्र जी, जी आपके लिए ये एल्बम क्या मायने रखता है? मेरे लिए पर्सनली तो कर ही रहा है, लेकिन इतना हिट सॉन्ग हो गया है, मैं जुड़ा हुआ हूँ फोक म्यूजिक से, अब बहुत सी चीज़ें साथ में जुड़ गई, फिल्म का थीम जुड़ गया और टिपिकल फोक वॉयस और उसकी धुन, उसका म्यूजिक, कि अब घर घर में अर्जुन वैली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाशिम जी, ये बताएं आपके लिए ये एल्बम क्या है? एल्बम मेरे लिए, एक तो हर गाना एक तो इतना ब्यूटीफुल है बेसिकली, और एनिमल जो है बेसिकली जिसमें रणबीर कपूर हैं, जिसमें संदीप सर हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ा टैग है ये बेसिकली। आज मैं, अगर कोई पूछता है कि क्या किया है, तो मेरे को पता है कि मैं बोल सकता हूँ कि वो संदीप सर डायरेक्टर और रणबीर सर जिन्होंने एक्ट किया है, और कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उसमें। तो मेरे लिए बहुत बड़ा, एक जिसको कहते हैं ड्रीम्स कम ट्रू, कि यहाँ पहुँचना था वहाँ पे अभी मैं आके आया हूँ अभी, मतलब कि वो एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो इट्स अ बिग, फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। आई रियली एंजॉय द फैक्ट दैट एक ज़माना था जब एक म्यूजिक कंपोजर और एक लिरिसिस्ट एक पूरे एल्बम को क्रिएट करते और अलग अलग साउंड्स बनाते। आज हम एनिमल जैसे एक एल्बम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप इंडिविजुअली, आप लोगों ने एक वर्सेटैलिटी की मिसाल कायम की है, एंड आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यॉल, बिकॉज इट इज़ सो डिफिकल्ट टू डिसाइड कि कौन सा गाना हमारा फेवरेट है, कौन सा ट्रैक, कौन सी एंट्री हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड आई थिंक इसमें मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगी। आशिम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप कबीर सिंह में भी आपका एक छोटा सा एक रहा है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इफ आई मे से सो। तो जब आपको इस एल्बम के लिए अप्रोच किया गया, तो क्या चल रहा था मन में? वर यू एक्साइटेड? बेसिकली जब कबीर सिंह आए, उसमें एक छोटा सा रोल था, शाहिद कपूर के साथ मैं बैठा हूँ और गाना गा रहा हूँ, वादे तोड़ के ना जावी मुटियारे नी दिलिये फकीर जट दा। तो उसके बाद मैं हर दिन ऐसे इमेजिन किया हूँ, वो कबीर सिंह बहुत हिट गई है, और हर दिन मैंने इमेजिन किया कि संदीप सर के साथ एक बार फिर से मौका मिल जाए काम करने का, कभी एक बार फिर से मौका मिल जाए। एवरी डे, तीन साल, चार साल हो गए। तो उसके बाद जब एनिमल बन रहे थे, तब संदीप सर ने वापस लिरिक्स लिखने के लिए बुलाया, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि अच्छा, वो जाटदा गाना मैंने कबीर सिंह में गाया था, एंड देन एनिमल के लिए संदीप सर बोल रहे हैं कि हाशिम आप लिरिक्स लिखो कुछ, तो कि जो बहुत डीप मीनिंग होने चाहिए,
जो जल्दी मेरे सर के ऊपर से जाने चाहिए एक्शन, वो ऐसा वाला था कि मुझे समझ नहीं आने चाहिए, तो कुछ ऐसा लिरिक्स लिखो. तो उस तरीके से वो स्टार्ट हुआ. मैं वापस आया घर पे, 3-4 दिन लिए मैंने, फिर उसके बाद वो लिरिक्स लिखे. तो अगेन उसके आगे बहुत सारा एक स्टोरी है पूरा प्रॉपर, कि कैसे संदीप सर ने उसको सुना, किस तरीके से उसको मैंने सीक्वेंस के साथ देखा जी. तो बिल्कुल संदीप सर को गाना बड़ा पसंद आया था वो. उसके बाद तो फिर जब संदीप सर ने जब मेरे को सीक्वेंस के साथ दिखाया तो मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे थे. मैंने कहा यार मतलब मैं इससे बड़ा और मतलब अगर मैं कुछ मांगता तो इससे बड़ा और क्या मिल सकता था मेरे को. ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज थी वो. दैट इज ग्रेट. बहुत ही बढ़िया ब्रीफ दी गई कि मेरे सर के ऊपर से कुछ जाना चाहिए ऐसा लिखिए. ऐसा लिखना है. ये आप एज लिरिसिस्ट आपको मिले ऐसे ब्रीफ्स कभी? नहीं नहीं मुझे कभी नहीं मिले. मुझे गाने लिखने के लिए कहा गया, प्रोजेक्टाइल लिखने के लिए कभी नहीं कहा गया. Shreyas, I'd like to ask you this. As a composer, जब एक director आपके पास आते हैं एक brief के साथ, आपके लिए कितना challenging होता है कि उस emotion को पकड़ कर music में अच्छे से उसे समेटना? अब सिर्फ इस गाने को लेकर बात जी, 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 जी. तो ये गाना चल के गया है सर के पास. अच्छा. तो बिकॉज दो साल पहले 2021 में जब एनिमल की अनाउंसमेंट हुई थी, न्यूज़पेपर में बड़ा आर्टिकल आया था, संदीप रेड्डी वांगा फिल्म, रणबीर कपूर एनिमल, तब मैंने देखा था यार कुछ बड़ा फटने वाला है. बिकॉज वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था एंड आई नेवर न्यू कि कुछ करके मेरा गाना कहाँ से आ जाएगा इस फिल्म में. सो इट हैपेंड एट अ दिवाली पार्टी. सिद्धार्थ गरिमा जिन्होंने गाना लिखा है उन्होंने दिवाली पार्टी होस्ट करी थी एंड वो गाना जस्ट हमने नया नया बनाया था एंड हम गुनगुना रहे थे. नए गाने की एक्साइटमेंट होती है तो हम संदीप सर वहाँ पे आए पार्टी में एंड ही वॉज सिटिंग देयर एंड मेरी वाइफ ने मुझे पूछा कि ये कौन है. डायरेक्टर ऑफ कबीर सिंह एंड नाउ ही इज मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड एनिमल. तो जैसे इंडस्ट्री में होता है कि यू शुड गो एंड मीट. कि तो मैंने बोला नो आई डोंट थिंक अभी कुछ पॉसिबिलिटी है बट अभी हम चिल कर रहे हैं, लेट्स चिल. एंड ही वॉज प्लेइंग हुआ मैं धीरे से अकेले में कोने में खड़े होकर ब्लूटूथ पे कनेक्ट करके. बिकॉज सो पैशनेट अबाउट म्यूजिक ही कीप्स लिसनिंग टू द सॉन्ग्स अगेन एंड अगेन. क्या इसमें ऐड कर सकते हैं. तो हुआ मैं सर जब मैंने पहली बार सुना इतना मैंने बोला सर ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है. तुझे अच्छा लगा? बोला सर वाइब है. बोला पक्का? बोला सर सुपर हिट है. बिकॉज मुझे पता नहीं था किसका गाना है, कौन गा रहा है, किसने लिया, कुछ आइडिया नहीं था. एंड देन आई वेंट आउट इन द बालकनी, मैं एंड सिद्धार्थ, हम लोग सिर्फ चिल कर रहे थे, दिवाली पार्टी थी. एंड मैंने बोला यार गाना बनाया है, अच्छा बन गया. तो हम गा रहे थे एंड ही वॉज ओवर लिसनिंग, ओवर हियरिंग अस सिंग द सॉन्ग. जैसे गाना खत्म किया ही केम एंड ही आस्क्ड मी कि ये क्या गा रहे हो आप. वी जस्ट सेड कि हमने गाना क्रैक किया, ऐसे सर कुछ बनाया. तो उस पार्टी में उन्होंने कम से कम 4-5 बार मुझे वो गाना गवाया. दिवाली एक तरफ चल रही है, ताश एक तरफ चल रही है एंड हम यहाँ पे म्यूजिक सिटिंग चल रही है. तो जब 4th-5th बार जब मैंने गाया तब मुझे लगा कि ये गाना जो ऑलरेडी लिखा हुआ था मुखड़ा, तो इट्स कनेक्टिंग समवेयर विद द फिल्म. एंड आफ्टर अ वीक वी गॉट अ कॉल दैट इफ यू कैन यूज दिस सॉन्ग. एंड देन बाकी जो अंतरे हैं वो स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग, माथे से लगा लूँ, हाथ छू के मैं पैर तेरे. सो इट्स द ब्रिलियंस ऑफ सिद्धार्थ एंड गरिमा जो उन्होंने स्क्रिप्ट को ही लिरिक्स में उतारा है. सो एज अ मेलोडी आपने बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं किए? बिकॉज़ जो आपका ये फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द स्क्रैच ड्राफ्ट इज द फाइनल ड्राफ्ट. उसके बाद हमने 18-20 वर्जन्स बनाए, सारे रिजेक्ट हुए. एंड मैं जैसे जैसे रिलीज नजदीक आ रही थी मैं एंजाइटी बढ़ रही थी कि यार हमको अरेंजमेंट चेंज करनी नहीं बोल रहे. बिकॉज एक होता है स्क्रैच अरेंजमेंट, एक होता है फाइनल जो हम ये करेंगे वो करेंगे. मतलब क्या अरेंज करना है, हो तो गया. And then ऐसे lovely, lovely, क्या बात है, what a great journey. भूपिंदर जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके गाने के बाद ना आजकल स्पीकर्स के ऑडिशंस चलने लग गए हैं. इतना कमाल का गाना है कि हर गाड़ी में अगर फुल वॉल्यूम में अर्जन वैली नहीं प्ले किया तो लोग मतलब हैरान हो जाते कि गाड़ी निकल भी रही है नहीं. मतलब आप समझिए कि हॉर्न की जगह अर्जन वैली चल रही है आसपास. तो ये बताए इतना रिस्पांस, इतना प्यार क्या आपने एक्सपीरियंस किया है इससे पहले, और अगर अभी जो मिल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दुनिया में हर इंसान अपने आप में एक मार्शल इंसान होता है जी. कोई आदमी अपने आप को कम नहीं आंकता. तो ये अर्जन एक ऐसा कंसेप्ट आ गया, हर आदमी अपने आप को अर्जन समझने लगा. तो इस पे रील्स कितनी बनी और क्या क्या बना वो तो मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा जानते हैं. तो ये जो फिल्म है ये एक ऐसी मोतियों की माला है, इसमें कितने सारे मोती हैं, चुन चुन के भरे. सॉन्ग हो गए, एक्टर्स हो गए, उनका स्टोरी थीम हो गया, ये सारा कुछ इतना कमाल हो गया. इतना कमाल का वो थाली परोस के लोगों को दे दी कि अब उसको छोड़ने को दिल नहीं कर रहा.
इस गाने की कुछ कहानी बताए ना, क्योंकि ये एक फोक बेस है, तो आप हमें प्लीज समझाए कि ये किस तरीके से बना, अर्जन वैली का जो अर्थ है वो आप प्लीज बताएं। हमारी जो पंजाब स्टेट है ना, वो बॉर्डर स्टेट है, इसमें ओल्ड जमाने में लड़ाई झगड़े रहते थे, तो उस लड़ाई झगड़े को फेस करने के लिए जो पंजाब के लोग थे थोड़े मार्शल थे, उसी मार्शलिटी में से निकला ये गाना है अर्जन वैली। हर घर में, हर गांव में एक कोई ना कोई, मतलब जैसे कोई नाम है, पुराने जमाने में कभी कृष्ण महाराज जी के समय में अर्जन पैदा हुआ था, तो जितनी उस समय की, उसके समय के बाद जितनी भी लेडीज थी अपने बेटे का नाम अर्जन रखना चाहती थी, क्योंकि उस अपने बेटे को बहुत अच्छा बनाना चाहती थी, मार्शल बनाना चाहती थी। तो वही अर्जन तब से शुरू हुआ हुआ, एक गांव में कितने कितने अर्जन होते हैं, और सभी अर्जन अपने आप में, अपने अंदर में मार्शलिटी चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है वही एक कंसेप्ट था, वो टिपिकल फोक से जुड़ा हुआ था, साथ में वॉयस पंजाब की मैच कर गई, और उसकी जो धुन है, ये बीर रस बोलते हैं, बीर रस में से निकला हुआ ये गाना है, और वो लोगों को टच कर गया। तो मतलब ये इसे जो एक वॉर क्राई कहा जा सकता है, इज दैट राइट? वॉर क्राई कहा जा सकता है इसे? वंडरफुल वंडरफुल सर, सच्ची में दिस इज अ ट्रैक दैट इज गोइंग टू स्टे फॉर इयर्स एंड इयर्स। आई थिंक ये एल्बम ही कुछ ऐसी है, जैसे मैं कह रही हूँ, मैं एक, आप सभी को देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपके पीछे मुझे बैकग्राउंड आपके गाने ही दिखाई दे रहे हैं सब जगह। बेस्ट पार्ट अबाउट द एल्बम इज वी हैव लेजेंड्स लाइक मनोज सर, बट एट द सेम टाइम ये एक होता है कि बहती गंगा में से आपने हाथ धो लिए कि अरे सुपर हिट चल रहा है, इसको ले ले, सुपर हिट, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। आशिम इज अ न्यूकमर, इन अ वे आई एम अ न्यूकमर, इट्स लाइक माय डेब्यू सॉन्ग। हर्ष को कंपोज करने का मौका मिला, इस मतलब बैकग्राउंड की ट्यून पे ही कंपोज द सॉन्ग, एंड जो राज भाई ने लिखा है, सो इट्स मिक्सचर ऑफ अ न्यू टैलेंट विद आशीर्वाद ऑफ लेजेंड्स लाइक मनोज सर एंड राज सर। So let's move on to the legend. Sweet. And he is a kid brother, and he has to show his respect for me, but don't take him seriously. No, but we want to just tell you this, that every track that, and this is like a joint, let's call it a collaborative, kya kehte hain isko, hum aap dono ki tarif collaboration mein karna chahte hain, because aap logon ne jis तरीके से लिरिक्स को आज के ज़माने में एक अलग ऊंचाई पर आप ले गए हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू लिसन टू ट्रैक्स दैट हैव बेसिक लिरिक्स, यू नो, लाइक ए बी, एंड देन फॉर यू ऑल टू जस्ट क्रिएट सॉन्ग्स लाइक वी आर लिसनिंग टू राइट नाउ, एंड फॉर इट टू बी सो मीनिंगफुल, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर लाइन आपसे एक इमोशन की बात कहती है जो शायद आपने कहीं किसी दिन महसूस की हो, सो इट इज सो इम्पोर्टेंट। मनोज जी, आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये एक टिपिकल लव बैलेड नहीं है, क्या ये गाना यानी कि धुन पहले बनी या लिरिक्स पहले आए? बिल्कुल, धुन पहले बनी, लेकिन इसके पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा आपने एक सिरा निकाला है बात का, कि जो अच्छी पोइट्री है, जो हमारी फिल्मी गीतों पे बहुत दिनों से ये इल्ज़ाम लगता आ रहा है कि भाई अच्छी पोइट्री डिसअपियर हो गई है, अच्छी पोइट्री है नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अच्छी पोइट्री हमेशा रही है, और जिस ब्लैक एज की हम बात करते हैं कि बिल्कुल ही ख़राब गाने बने, वहाँ भी अच्छे गाने बने हैं। इट्स जस्ट दैट एज अ क्रिएटर यू हैव टू टेक दिस कॉल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राजशेखर हैज़ टू डिसाइड, ही हैज़ टू डिसाइड, ऑल ऑफ अस हैव टू डिसाइड कि भाई करना क्या है, शॉर्टकट चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए, कल चाहिए कामयाबी, या आप वेट करने को तैयार हो? वो जिसे लिख के शर्म आ जाए, ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या, शोहरतें भी हैं जरूरी लेकिन शोहरतों के लिए बिक जाऊं क्या, क्या बात है। व्हेन यू डिसाइड कि नहीं, आई एम रेडी टू वेट, और तब देखिएगा उसके बाद क्या होता। लोग कहते हैं फॉर्मूला नहीं होता अच्छे गानों का, मैं समझता हूँ फॉर्मूला होता है, अच्छी पोइट्री का भी फॉर्मूला होता है, अच्छे गानों का भी फॉर्मूला होता है। अमृता प्रीतम जो इस देश की बहुत बड़ी लेखिका रही हैं, उन्होंने कहीं लिखा है, रसीदी टिकट पे लिखा है उन्होंने, कि अच्छी कविता का इंग्रेडिएंट क्या होता है, जिसमें बात तो इसी दुनिया की हो, लेकिन उस बात में एक टुकड़ा आकाश मिला दिया जाए, एक टुकड़ा पाताल मिला दिया जाए। वाह क्या बात। तो ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, इनको भी शायद पता नहीं कि इन्होंने किया क्या, इन्होंने इसी दुनिया के किस्से कहानी में एक टुकड़ा आकाश मिला दिया, एक टुकड़ा पाताल मिला दिया, और एनिमल का एल्बम बन गया, इतना ही किया इन्होंने। बैक टू द सॉन्ग, गाना पहले कंपोज हुआ था, मुझे भूषण जी और संदीप हमारे दोस्त, मेरी दूसरी फिल्म है उनके साथ कबीर सिंह के बाद, आफ्टर कैसे हुआ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कैसे हुआ जहाँ खत्म हुआ वहाँ से हुआ मैं शुरू हुआ। वाह क्या बात है, अमेजिंग। सो आई वाज कॉल्ड टी सीरीज, जो हमारा दूसरा घर है जी,
ये पहला भी कह सकते हैं। तो मुझे और प्रीतम दा भी थे उस दिन, प्रीतम दा, भूषण जी, संदीप और हम तीनों बैठे, मुझे प्रीतम दा ने वो गिटार पे अपने, वो तो आप क्या माहौल रहा होगा मैं क्या बताऊं, और सुनते सुनते ही लगा कि भाई धुन हो तो ये, लेकिन मैं कहाँ आके अटक गया वो था हुआ मैं, वॉज अ फ्रेज विच दे ऑलरेडी हैड, वो सबको बड़ा पसंद, वो भूषण जी को भी बड़ा पसंद, मैं उसको मत बदलना, प्रीतम दा को बड़ा पसंद वो मत बदलना, और संदीप सर, मनोज सर, दिस इज वेरी सब गुड, प्लीज डोंट चेंज इट। हुआ मैं निभाऊं कैसे, मैं इतनी बड़ी कहानी कैसे बनाऊं हुआ मैं के साथ। बट देन आई टुक द ट्यून बैक होम, थोड़ा वक्त गुजारा उसके साथ, और शायद ये एक तरीका है जो मंजू सुल्तानपुरी कहा करते थे कि अच्छे गाने लिखने का ट्यून पे एक सबसे बड़ा रास्ता ये है कि 40 बार सुन लो ट्यून, और 41st टाइम आपको लिखना नहीं पड़ता, वो खुद लिख उठता है। क्या बात है। तो 40 बार मैंने सुना और फिर लिख उठाओ, इतनी सी कहानी, ये मास्टर क्लास चल रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है। आज हम इतने म्यूजिशियंस, लिरिसिस्ट, अपकमिंग आर्टिस्ट सुन रहे हैं, आई थिंक देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दीज वंडरफुल पीपल। राजशेखर जी, माय गॉड, अ ट्रैक दैट इज नाउ गोइंग टू बी अ लव सॉन्ग फॉर एवरीवन फॉर सो मेनी रीजंस, एंड मुझे लगता है कि आप एक ऐसे शख्स, एक ऐसे सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट है जो कि बिल्कुल वो जो तार है ना उसे बड़ा छेड़ देते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, एंड यू नो यू वांट टू लाइक कीप लिसनिंग टू पागल पागल। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपने इस गाने से हमें पागल पागल कर दिया। आप बताएं कैसी रही आपके लिए जर्नी विद दिस ट्रैक, एंड स्पेशली बिकॉज विशाल मिश्रा एंड यू हैव हैड अ वेरी स्पेशल कनेक्शन विद सम ऑफ द मोस्ट जाने दे इज ऑफ कोर्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स, तो कैसे रही आपके लिए? विशाल के थ्रू ये जर्नी शुरू हुई इस फिल्म की मेरी, एनिमल की। तो मैं रणबीर कपूर का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, तो मैं ये इस इंटरव्यू का टैगलाइन हो चुका है। मैं रणबीर कपूर का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, मतलब उनके गाने आते थे, उनकी फिल्में आती थी, और मैं हमेशा ना वो विजुअल और अपना गाना पीछे वो चला के देखता था कि यार मेरा गाना कभी आएगा तो कैसा लगेगा, और चाहे वो रॉकस्टार हो, चाहे ये दिल हो मुश्किल हो, जो भी मैं देखता था कि यार कैसा लगेगा, मेरे आसपास के सारे दोस्त जानते हैं ये। तो मैंने कुछ डायरेक्टर्स को भी कहा था और कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी कि अगर आरके के साथ कभी कोई फिल्म की तो मैं हूँ उसमें, बाय डिफॉल्ट ब्लाइंड मैं हूँ। क्योंकि इसमें कबीर सिंह में मनोज भाई और विशाल का गाना बहुत बहुत मुझे भी बहुत पसंद है, वो कैसे हुआ तो मुझे जब बुलाया विशाल ने कि भैया मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, आप आइए, मैं दरअसल आनाकानी कर रहा था रात में आने में, उसने कहा भैया मैं आपको मिलवा रहा हूँ किसी से, मैंने कहा चलो ठीक है। मैं गया वहाँ पे तो उसके स्टूडियो में रात में 10:30 बजे के लगभग, तो संदीप सर थे वहाँ पे, तो मैं जानता था कि हाँ, पर मुझे ये नहीं पता था एनिमल बना रहे हैं, एनिमल में कौन है क्या है। तो मैंने उन्होंने कहा कि एक गाना है ऐसा, ये सिचुएशन है ये, विशाल ने कुछ धुन प्ले किया, अच्छा लगा, ठीक है डेडलाइन का, नहीं नो नो यू राइट इट, अब कोई डेडलाइन नहीं है। एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, ये कोई कह रहा कोई डेडलाइन नहीं है, पहली बार कोई आदमी कह रहा है डेडलाइन नहीं, आप लिखो आराम से, मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने इसी तरह पूछा कि सर एक्टर कौन है, उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर। तो मुझे मैंने कहा मतलब अभी बात चल रही है क्या, बोले नहीं हमने शूट कर लिया है कुछ दिन, एंड दैट्स व्हेन यू रोट पागल क्या पागल, एक्चुअली रणबीर के लिए गाना लिखा, एग्जैक्टली इस तरीके से ये आलिया को कंपटीशन दे सकते हैं रणबीर से प्यार करने के बारे में, फील करा दोगे बेचारी को। तो इस तरीके से बात शुरू हुई वहां पे, और 5-6 दिन के बाद हम मिले, तो उन्होंने कहा कि दरअसल आपके ऊपर जब प्रेशर नहीं होता ना कि आपको इस वक्त तक में देना है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैं जल्दी नहीं लिख पाता, मुझे लगता है वक्त, तो 5-6 दिन के बाद मिला कि ये लिखा है, तो उन्होंने दो ही लाइन संदीप सर ने शुरुआत में की कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा, और अगली लाइन तो उन्होंने कहा कि यस दिस डन ओके वी शुड मूव टू अंतरा नाउ, फिर अंतरे की धुन आई, तो वो अंतरा मैंने बहुत सारा लिख दिया, मतलब मुझे लगता है 3-4-5 अंतरे लिख दिया ऐसे फ्लो में, बहुत अंतरे की जो धुन है ना वो बहुत प्यारी और मतलब ज्यादा वो है, मतलब मीटर भी बहुत अच्छा है, तो मैंने तो दरअसल एक ही अंतरा चाहिए था इसमें,
तो उन्होंने, जब मैंने विशाल को कहा कि विशाल दूसरा अंतरा तीसरा अंतरा जो है एक बार सुना देते हैं, क्या पता हो सकता है कि, बोला भैया एक अंतरा ज़्यादा का क्या गाना होता है आजकल। मैंने कहा ठीक है देखते, मैंने सुना उनको, वो कह रहे हैं कि लेट्स कीप ऑल द अंतराज। विशाल कह रहा है सर इतना लंबा गाना, नो नो ओके टू अंतराज, दो अंतरा फिर रख लिया, पहले तीन अंतरा था। ओहो, तो मैंने कहा चलो ठीक, इस तो शायद ये तीसरा अंतरा हमें कभी सुनने में थे आज। एक जमाने में जब एक लड़का लड़की को ये लाइन बोलता कि मैंने आपको कहीं देखा है पहले, तो ऐसा लगता था कि ओह क्या टिपिकल है। अब देखो गाना बन गया इस पर कि पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। वो जो डिस्क्रिप्शन वाली क्वालिटी है ना, वो कमाल है। इनफैक्ट अगर आप दो लाइनें सुन के देखें, कभी कभी जलन होती है। मतलब ये सारा भाईचारा और प्यार अपनी जगह, पर जलन होती है। और ये झूठ मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे नहीं होती, ऐसी लाइनों से जलन होती है। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा मिलके लगा। How amazing it is. जब रणबीर कपूर कम्स ऑन स्क्रीन एंड यू नो हिज नेम कम्स ऑन स्क्रीन, देयर इज अ सुपरस्टार टैग दैट इज बीइंग पुट। आई थिंक देयर आर टू सुपरस्टार्स इन दिस फिल्म, one is Ranbir Kapoor and one is the BGM. Actually, that is standing because Animal wouldn't be Animal if the BGM wasn't definitely as amazing and as you know, larger than life. Please tell us about it. How important was it for you, or was there any pressure jab aap ise create kar rahe the? Nahi, isme pressure nahi tha, because the starting, like because Sandeep sir, I was working with Sandeep sir from Arjun Reddy. Because I know very well, like we are traveling, Kabir Singh, उसके बाद Animal. So like ये पहले कैसे शुरू हुआ था कि like the announcement whistle, no, that the papa में बेटा बना, वो that with the dialogue Ranbir sir का. So it started with that actually. उसके बाद then gradually the second thing was like we need a team, like father and like son का एक bonding का एक team चाहिए था. So, वो भी like Sandeep sir wants with the whistle. That also, like I have composed a couple of tunes for that. उसके बाद like I have sent two tunes to sir. Like after that, sir ने बोला था ये this is working, Rami, this that tune. So okay, then वो पहले whistle में था that complete. And afterwards like sir ने बोला कि see I'm going to do lyrics for this. So it will connect or it will impact create karega, the bonding or strong hoga, the father and son. So like so after I came here to for the background score here for working, so like sir ne that what do you call Rajsekhar sir ne Hindi mein, that after listening to that, no, like I was just emotionally connected, because I don't know, like ek whistle mein I don't have an idea like how this will be done in a lyrics version, because it was completely in the whistle one. So after listening, no, like we got a break actually, like for Diwali 3 days. So I went to Chennai. Okay. So मैंने पूरे 3 दिन मेरे पापा के साथ बिताया था. That much connected. Oh, because I didn't went with my my son, but that much connected that lyrics and everything. So like it was like amazing like journey. I so a lot of things is there, like the background score, everything. When I composing the background score here, like first time Bhushan sir was listening, that what do you call that gun scene, no, like college mein gun like. So I was nervous, like Bhushan sir first time, so how he will react. So after listening, Rami Kamal hai, super. So like that was like it's amazing journey, you know, like but you were also part in identifying a lot of entries, like the Abrar entry track. Yeah, yeah. जिसमें अभी कितने, I think 90 million plus view, ये reels. What is this? This is did you imagine it to get? No, like, we didn't imagine. But every time, no, like we are playing the track, no, I used to dance and I used to cheer. Sandeep sir said, "Hey, kya? Kya bar aisa karoge, sir?" This is like making me crazy. Like I was dancing. Like glass नहीं था ऊपर. I was like glass नहीं था ऊपर. Glass नहीं था नीचे. वो computer table पे बैठे थे. Glass नीचे था. Glass नीचे था.
ये वो इंसान है जिसको मालूम है कीमत. ओके, रोम्बा नल्ला. आई नो दैट वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आपसे एक लास्ट सवाल इंडिविजुअली पूछना चाहूंगी. आपके गाने के अलावा ऐसा कौन सा गाना है इस एल्बम से जो आपको बहुत पसंद आया? बदल दे इस बार क्या? नहीं, मैं तो नहीं. अच्छा, ये सवाल हो चुका है. बदल सकते. I think firstly अर्जन वैली से मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर गया था, बिकॉज वो गाना सुन के मैं पागल हो गया था. जब मैंने सुना तो मैंने कम से कम 10 से 15 बार रिपीट पे सुना, और फुल वॉल्यूम करके कार में. जैसे सर ने बोला कि जो भी सुनता है अपने अंदर वॉरियर आ जाता है, मेरे अंदर शिवाजी आ गए थे, मैं फोड़ देता हूँ उसने सब कुछ. तो एक मिनट, जब आपने बात छेड़ी है तो दो लाइनें तो सर बनती है. उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता था कि ये जैसे मैं पहले भी गाता था, हिंदी फिल्म में गीत गाया मेरे लिए मतलब बड़ी बात है. मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, कोई भी काम किया उसके भूल गए. मैं तो आई वाज इन कनाडा इन दैट डेज. ओके, फिल्म में गीत आया मेरे लिए एक कदम आगे था जिंदगी का. लेकिन जब प्री टीजर आया, और प्री टीजर मतलब कैसा बना, कैसे हाइप पे चला गया, यूट्यूब की कभी मैंने डिस्कशन नहीं सुनी थी पहले इतनी ज्यादा. तो कितने वर्ल्ड के यूट्यूबर्स उस पर बात कर रहे थे, उस पर कितने व्यूज आ रहे थे. मुझे लगता है कि मेरे जो स्टार्स हैं वो संदीप सर, मनन भारद्वाज, और एक मेरा बेटा है रेमत मरवाहा, जिसकी वजह से ये गाना बना. तो वो मतलब मेरे चेहरे को पहले थोड़े लोग जानते थे. अब मैं पिछले एक महीने में मेरा ख्याल अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग शहर में विजिट किया हूँ. तो लिफ्ट में चढ़ रहा हूँ, वहाँ भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरा चेहरा पहचानने लगे हैं. इससे मुझे कहीं ना कहीं बहुत खुशी हुई है. तो मैं इसका प्लीज उखाड़े बिच डांग खाड़ के, उखाड़े बिच डांग खाड़ के, ओते हो गई लड़ाई भारी. बयार जड़ वैली ने, ओ यार जड़ वैली ने, ओ पैर जोड़ के गंदासी मारी. भाजी क्या बात है सर. Oh my God. चलिए आगे मनोज जी, जल्दी से बताएं आपका पहले quintessential love song. दुनिया कैसी भी रहे, किसी भी तरह की हवाएं आए, मौसम बदले, लेकिन इस देश को लव सॉन्ग की जरूरत हमेशा रहेगी. और कैसा लव सॉन्ग, टेरिफिक लव सॉन्ग, ग्रेट लव सॉन्ग लाइक पहले भी. ओह लवली लवली. व्हाट अबाउट यू हैड फन? लाइक आई लाइक ऑल द सॉन्ग्स, बट व्हाइल आई एम डूइंग द बैकग्राउंड स्कोर ना, द पहले भी मैं सॉन्ग व्हेन आई फर्स्ट हियर्ड ना, लाइक I was like mesmerized, like after Vishal ji ka voice, that is my favorite, and Sir ka Arjun Veli. Oh, because two are like lovely. Rajshekhar ji. इसलिए नहीं कि मनोज भाई ये कोई हमने पहले जोड़ा. नहीं, इनको इंटरव्यू साथ में किसने बिठाया? मैं मैसेज दिखा सकता हूँ. मैसेज दिखा सकता हूँ. जिस दिन गाना रिलीज हुआ इनका मैसेज आया, मैंने मैसेज किया इनको, और उसकी एक लाइन जो है वो हुक कर गई मुझे. ऐसी दीवानगी से चाहो तुम्हें जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ. ये मुझे मतलब अब ये ना खुलती है लाइन धीरे धीरे आपके अंदर. मतलब एक बार में अच्छा इसका ये मतलब है अब, और साथ में ना बहुत सारा विजुअल लेके आती है ये अपने आप में. पहली मतलब पागल होना ठीक है, हम सुनते रहे, एक बहुत आम सी बात है कि प्यार में पागल हो गए. पहली बार उसी वो एक दो वर्ड जो है ना, पहली बार पहली दफा कोई पागल हुआ, वो उसको ना अचानक से एकदम नया बना देता है, उसके साथ पूरी इमेजरी जोड़ देता है. मनोज जी, वुड यू लाइक टू रिसाइट दोस लाइंस प्लीज? मैं अंतरी की लाइनें पढ़ता हूँ जो मुझे लिखते हुए बड़ा मजा आया था. देखा नहीं तूने अभी जादू हुआ क्या, दोनों जहां 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 गए ठहर, तेरे बदन की रोशनी मेरे बदन में अभी 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 गई उतर. कोई दूरी नहीं बाकी प्यारे, ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ. बेखबर होके बाहों में सो जा मेरी, तू हवा और मैं तेरा बादल हुआ. वाह वाह, दिस इज व्हाट वी नीड. द क्वालिटी ऑफ लिरिक्स इज व्हाट वी नीड, लाइक दिस. अमेजिंग अमेजिंग. बताइए भूपिंदर जी, आपका कोई फेवरेट गाना इस एल्बम से अर्जन वैली के अलावा? ऐसा मैंने पूरी एल्बम
एक एक सॉन्ग बहुत ध्यान से और बड़ी शिद्दत से सुना है जी। कुछ चीज़ें क्योंकि मैं थोड़ा पंजाब के टिपिकल फोक से जुड़ा हूँ, जो क्लासिकल है या सेमी क्लासिकल है, कुछ चीज़ें मेरे बस के बाहर हैं। सो अब सिचुएशनल डायरेक्टर साहब को क्या क्या चाहिए था जो पूरे गाने बने हैं? एक रस होता है, संगीत का रस होता है, वो तो मैं किसी को भी आंक नहीं सकता, क्योंकि हर गाना अपने आप मैं उसका फ़ैन हूँ, पूरी म्यूज़िक एल्बम का फ़ैन हूँ, वो मेरी गाड़ी में हो या मेरे मोबाइल में हो, मैं हर गाने को बड़ा आनंद लेता हूँ। लेकिन बी प्राक वाला जो गाना है, सारी दुनिया जला देंगे, वाह जानी और बी प्राक, क्योंकि उसकी जो बी प्राक की वॉइस की क्वालिटी या जानी भाई का जो लिखा हुआ है वो बहुत ही टची। क्या बात है, बहुत डेफिनेटली बी प्राक के फादर साहब मेरे म्यूजिक गुरु भी हैं। अच्छा अच्छा, वरिंदर बच्चन जी और सुरेंद्र बच्चन जी वो मेरे म्यूजिक के गुरु भी रहे हैं। अब वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी अभी भी छत्रछाया मेरे साथ जुड़ी थी। क्या बात है। आश्रम जी आप बताएं। मैं जब सतरंगा वीडियो आया था तब गाना सुना मैंने, विजुअल मैंने देखे तो मतलब तब से ही मेरे को वो गाना ऐसे छप गया विजुअल्स के साथ, वो म्यूजिक के साथ, लिरिक्स के साथ, कि वो उसमें लिरिकली भी वो ऐसी बात हो रही है कि वो जैसे रणबीर सर रश्मिका जी के पैर ऐसे पकड़ के उसमें बैठे हुए हैं एक सीन में, तो वो इतना कनेक्टेड हो गया वो बेसिकली, तो इसलिए मेरे को सतरंगा और पापा मेरी जान मैं और बोलना चाहूँगा तो आई थिंक ऑलवेज अमेजिंग। बाकी पूरा एल्बम बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट एल्बम पूरा ये बेसिकली। वी हैव हर्ड अरिजीत सिंह सिंग दिस सॉन्ग बट वी हैव टू हियर यू and yes. we are also going to complain that why didn't you sing it? yes hum log sab bolte hain ki aapki awaaz aise din ki awaaz mein bhi suna hai mujhe aisa lagta hai, correct me if I'm wrong, jab ek composer ek gana khud gaate hai na to wo rawness se us gaane ki jo khoobsurti hai wo thodi aur badh jati hai, so we hope to see you sing tab lekin ho jaye na aaj to sunenge na तो इसका जो लास्ट पार्ट है इट वाज एन ऑप्शनल क्रॉस फॉर द अंतरा फर्स्ट अंतरा आई विल सिंग दैट वो हमने ऐड ऑन कर दिया था एंड लकीली वो गाने में भी रहा। तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे, ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के, रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है इश्क़ रे, मैं समंदर परिंदा है ये इश्क़ रे, जोगी मैं और गंगा है इश्क़। वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। And finally, if we don't get you to sing, तो कैसे चलेगा? Yes, this yes, interview yes. is like अधूरा, तो please. मैं हमेशा यही से start करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मतलब समझ नहीं आया, because of संदीप सर चाहते थे कि वो deep meaning होना चाहिए जी, और बिल्कुल ऊपर से ही निकलना चाहिए, वो ऐसा वाला lyrically होना चाहिए, तो मैं पहले गाना सुना दूँगा तो। ओ तेरे मन दा मालिक तू, ओ भाई नु चिमड़े गत तेरे नक ते चढ़िया रोश, ओ जिनू पेंदी भूत दी डांगे ओनू ना रहिंदा कोई होश, जे सोच ने कढ़ी खुंडी तेरा मिट्टी ओ मिट्टी ज्ञान, ओ टुट जाने ने हड्डियो लऊओ लऊओ होनी जान, ओ लीर लीर कर छड़ना, ओ पंबड़ करे सलेडा ए ता बनया है हैवान, ओ पंबड़ करे सलेडा ए ता बनया है हैवान। तो इसका बेसिकली थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब भी सब लोग समझें बेसिकली, कि जैसे पूरा संदीप सर ने एक पूरा एक साइकोलॉजिकल रणबीर सर के साथ बिल्कुल वो पूरा एक कैरेक्टर लिखा उन्होंने, कि इस तरीके से ऐसा कि वो एक साइकोलॉजिकल, कि वो ये गाना वो ये बोलता है बेसिकली कि कोई भी इंसान अगर अपने बैगेज को, जो नेगेटिव बैगेज है उसको लेके अगर तो वो ट्रैवल करता है अपनी ज़िंदगी में या चलता है अपनी ज़िंदगी को जीता है, तो कहीं ना कहीं वो बैगेज उसको परेशान करता है। तो ये गाने का मतलब ये है कि इंसान जब बिल्कुल नेगेटिव बैगेज लेके चलता है तो वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाती है। तो मैं थोड़ा सा मतलब भी समझाऊंगा, कहते हैं
तेरे मन का मालिक तू, यू आर योर ओन मास्टर, कि तू अपने मन का खुद का मालिक है, कि तू जो भी करता है तू 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 ही उसका वो है। भाई नू चिमड़े गत ते इहदे नक ते चढ़िया रोष, तो अगर एक इंसान को अगर गत मतलब पंजाब पास्ट, पंजाब में उसको बहुत पुराना एंशियंट वर्ड है, गत को पास्ट बोलते हैं, यार भाई नू चिमड़े गत अगर चिपक गया चिमड़ा, भाई नू चिमड़े गत ते इहदे नक ते, उसके नाक पे हमेशा गुस्सा चढ़ा रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। और जिन्हू पेंदी भूत दी डांग उन्हू रेंदा ना कोई होश, जिसको भूतकाल की अगर सोटी पड़ती है, अगर लाठी पड़ती है, तो उसको कोई होश नहीं रहता है, कि अगर वो उसी में ही पड़ा रहता है पास्ट की चीजों को लेके, तो उसको कहीं ना कहीं वो चीज नुकसान करती रहती है। जे सोच ने कड्डी खुंडी ते तेरा मिट्टियों मिट्टी ज्ञान, अगर तेरी सोच, अगर एक इंसान की सोच अंदर से उसको किल कर रही है, एक वेपन की तरह अगर उसको हर्ट कर रही है, तो उसका जितना भी ज्ञान है या इंटेलेक्चुअल जितनी भी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो वो सब मिट्टी है। और टूट जाने ने हड लवो लवो होनी जान, तो हड बोला गया है एक बेस को, कि अगर इतनी चीजें कि वो फिजिक, पहले तो मेंटली ये चीजें आपको परेशान करती है, तो वो आपकी जान लवो लवो खून की तरह हमेशा बर्बाद हो जाती है बेसिकली। देन लीरो लीर कर छड़ना, इस जो ये जो चीज है वो लीर लीर कर दे, लीर लीर मतलब होता है कि बिल्कुल ऐसे चिथड़े चिथड़े फाड़ के, ऐसे मतलब जिंदगी ऐसी हो जाती है। एंड देन पांबड़ करे सलेडा ये बनाए हैवान, पांबड़ हमारे पंजाब में बहुत ऐसे, वो पांबड़ पै गई यार, पांबड़ मच गई यार, उन्हें तो पांबड़ ही मचाती, तो पांबड़ मतलब क्योस की क्योस मच जाना, हलचल मच जानी। सलेडा मेरे दादा कहानी सुनाते होते थे, एक बहुत उच्च किस्म का जिन जिसको बोलते हैं, वो एक शैतान हैवान होता था, वो उच्च किस्म का, वो शेप शिफ्टर था, वो किसी चीज का भी रूप ले सकता था, जो मेरे दादा कहानियां सुनाते थे कि वो जैसे बैल भी बन सकता है, ये चश्मा भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है वो जिन। तो वो पांबड़ करे सलेडा, अगर सलेडा को ऐसा मेटाफोरिक वर्ड उसको दिया है, कि अगर सलेडा या नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में घुसते हैं, तो एक कैओस मचाते हैं, जिसकी वजह से आप हैवान बन जाते हो। उसका मतलब ये है बेसिकली। I think you just described what Animal the film was all about. Exactly. Wow. Yes, yes. That's beautiful. Even Anil Kapoor and Ranbir Kapoor, जो उनका एक relationship है उस film के अंदर basically, कि वो कहीं ना कहीं Ranbir Kapoor को वो एक चीज hurt कर गई है, वो घर कर गई है वो चीज, कि पापा मेरे साथ time नहीं बिताते थे, या कहीं ना कहीं वो आज इतने 36 साल को हो गए, लेकिन फिर भी उसके बाद उस character में ही है कि ये चीजें मेरे साथ नहीं हुई है, या मैं जो चाहता था वो मैं नहीं कर पाया हूँ, तो वो कहीं ना कहीं वो घर कर गई, जिसके लिए वो इमोशनलेस कहीं ना कहीं उन चीजों में है, कि वो बहुत सारी चीजें इमोशनलेस है, तो वो उस कैरेक्टर को प्रॉपर उस गाने में पिरोने की कोशिश की है वो। थैंक यू गाइस। हम सब मिलके गाएंगे सर, निकलिए ना सर, उससे माहौल बनेगा, माहौल बनेगा, और रमजानी और बीपराग दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यस यस। अच्छा, मैंने बीपराग ने बहुत सारे शायरों को गाया होगा, आज मैंने सुबह सुबह बीपराग पे लिखा हुआ एक शेर सुना, बनारस का एक शायर है, बड़ा यंग से लड़का है, बड़ा अच्छा शेर कहता है, कुशल दौनेरिया शायद नाम है, क्या शेर है, उसे गाते हुए सुनता हूँ तो लगता है, उसे गाते हुए सुनता हूँ तो लगता है कि मेरा दर्द तो बस भी पराग समझेगा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। This is for you, भी पराग। तुम्हें गाते हुए सुनता हूँ तो ये लगता है कि मेरा दर्द तो बस भी पराग समझेगा। क्या बात है। श्रेयस, are you ready? I think I'm not sure, क्योंकि मैंने गाना सुना बहुत है, बट गाया नहीं है मैंने। ऑडिशन हो गया मेरे लिए। आप मुंबई आ सकते हैं। इसी शब्द पर लगाना मिलेगा। हो बदलाने नहीं पाया है, बदलाने नहीं पाया है, हो बदलाने नहीं पाया है, क्या बात है। जीदा इंतजार सी आज रब्बा वही दिन आया है, जीदा इंतजार सी, जीदा इंतजार सी, आज रब्बा वही दिन आया है, आज रब्बा वही दिन आया है। ओ क्या बात है। बड़ा मौत से पाला मेरा, आपने थोड़ा सुनीमा रख लिया मेरे से, वो हो बड़ा मौत से पाला मेरा, वो बड़ा मौत से पाला मेरा,
क्या बात है यार, आज मैं रहूंगा यार, आज मैं रहूंगा या सामने वाला मेरा। क्या बात है, यू टू कैन मीट। ओह माय गॉड, एक्चुअली दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू लीव यू गाइस ऑन दिस हाई। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वी लव यू, लव यू सो मच।